हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडियस 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स रिवाइज करवाऊंगा। तो ये इंडियस आपको क्या बताएगा, एम्प्लॉई बेनिफिट्स की अकाउंटिंग करना इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी अपनी बुक्स में एम्प्लॉई बेनिफिट्स की अकाउंटिंग कैसे करेगी। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि एम्प्लॉई बेनिफिट्स होता क्या है, ताकि हम उसकी अकाउंटिंग आराम से सीख सकें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉई बेनिफिट्स का मतलब है जब भी एक कंपनी अपने एम्प्लॉई से सर्विसेज लेती है और उसके बदले उन्हें जो भी अमाउंट या जो भी कंसिडरेशन पे करती है, उस सबको हम एम्प्लॉई बेनिफिट बोलते हैं। यानी मैं कंपनी में अपने एम्प्लॉई से सर्विसेज ले रहा हूँ और उसके बदले एम्प्लॉयज को जो भी मैं पे कर रहा हूँ कंसिडरेशन, वो सब मेरे लिए एम्प्लॉई बेनिफिट है। यानी अगर मैं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये इंडेक्स आपको एक तरीके से सैलरी की अकाउंटिंग सिखाता है। तो सर, सैलरी की अकाउंटिंग ये तो आपने 11th क्लास में सीखी हुई है। बिल्कुल, 11th क्लास में जो सैलरी की अकाउंटिंग सीखी ना, वही ये इंडेक्स बताता है, यहीं से वो अकाउंटिंग आप सीखते हो। तो इसमें क्या स्पेशल सीखना है, तो देखो कुछ स्पेशल ज्यादा नहीं होता, इंडेक्स के बेसिक्स सब कुछ वही है। ग्राउंड लेवल पे अगर जाके आप इंडेक्स को समझोगे तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, बस कुछ एडवांस चीजें और आ जाती हैं इंडेक्स के अंदर जो आपको और सीखनी है। तो यहां इंडेक्स का नाम है एम्प्लॉई बेनिफिट्स, यानी आप अपने एम्प्लॉइज को जो भी बेनिफिट्स दोगे उनसे सर्विसेज लेने के बदले। यानी आप जब भी एम्प्लॉइज को कंसिडरेशन पे करते हो तो अलग अलग कंपोनेंट्स में पे करते हो, बहुत सारे टाइप के फॉर्म में पे करते हो। तो उन सभी तरीके के एम्प्लॉई बेनिफिट्स की अकाउंटिंग ये इंडेक्स हमें सिखाएगा। तो सैलरी के अलावा जो भी एडवांस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो आप अपने एम्प्लॉई को एज अ कंसिडरेशन पे करते हो, उन सब की अकाउंटिंग ये इंडेक्स आपको बताएगा। बहुत ही ईजी इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारे क्वेश्चन अपने क्लास में करे हैं एक एक और एक एक कंसेप्ट के साथ। तो बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब मैं अपन इसमें समझते हैं कि और कितने तरीके के एम्प्लॉई बेनिफिट्स हैं जो आपकी अकाउंटिंग सीखनी थी आपको। तो चार तरीके के एम्प्लॉई बेनिफिट्स होते हैं अपने, जिनकी अकाउंटिंग ये इंडेक्स बताता है, जिसमें ये सारे एम्प्लॉई बेनिफिट्स को कैटेगराइज कर देता है। तो सबसे पहला एम्प्लॉई बेनिफिट होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट मतलब वो एम्प्लॉई बेनिफिट जिनको आप बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स पे करके खत्म कर दोगे। आज 31 मार्च मान लो मेरी बैलेंस शीट डेट है, इससे नेक्स्ट जो 12 मंथ्स आने वाले हैं इसके अंदर अंदर जो पे हो जाएंगे वो शॉर्ट टर्म है। जैसे कि सैलरी या वेजेस, सैलरी या वेजेस जनरली शॉर्ट टर्म होती है, आप जनरली एक दो महीनों में उनका पेमेंट करके सेटल करते हो, काम खत्म। इसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉय को उसकी नौकरी पूरी होने के बाद दिए जाएंगे। नौकरी जब वो पूरी अपनी खत्म कर लेगा या नौकरी पूरी करके कंपनी से जाएगा, यानी एक तरीके से मैं बोलूं तो रिटायरमेंट के टाइम पे, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा कंपनी से या नौकरी पूरी करके जाएगा, कंपनी से नौकरी खत्म करके जाएगा, उस वक्त उसे जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे करे जाएंगे उन्हें बोला जाता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। नाम से ही समझ जाओ, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नौकरी पूरी होने के बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एग्जाम्पल इसका पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन एटसेट्रा, बाकी डिटेल में आगे अपन समझ लेंगे। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स मतलब ऐसे एम्प्लॉई बेनिफिट जिनका बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ बाद पेमेंट होगा। शॉर्ट टर्म में क्या होता था, 12 मंथ के अंदर अंदर बैलेंस शीट डेट से, तो अदर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बैलेंस शीट डेट से 12 मंथ्स के बाद। आज 31 मार्च है तो आज से 12 महीनों के बाद जिनका पेमेंट होगा। इसका एग्जांपल है जुबली बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि देखो हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय 25 साल पूरे कर लेगा, 25 साल कंटिन्यूस नौकरी कर लेगा, उसे उस वक्त हम 10 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे जुबली बेनिफिट के नाम पर। तो ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, क्योंकि अगर आज मैं फर्स्ट ईयर मानूं तो आज से ये 12 मंथ्स के अंदर पे होने वाला है क्या, नहीं, ये तो 25 साल जब वो नौकरी में पूरे कर लेगा तब पे होगा। तो कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट अदर लॉन्ग टर्म इनमें फर्क क्या हुआ। तो ये भी तो लॉन्ग टर्म ही नजर आ रहा है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की बहुत टाइम बाद पे होगा, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट कब पे किए जाते हैं, जब वो नौकरी पूरी करके खत्म करके कंपनी से जाता है, नौकरी पूरी करके कंपनी से चला जाता है तो पे किए जाते हैं। और अदर लॉन्ग टर्म में वो कंपनी छोड़ के नहीं जा रहा है, वो कंपनी छोड़ के नहीं जा रहा, कंपनी में कंटिन्यूअसली नौकरी के अंदर है, उस वक्त उसको पे किए जा रहे हैं बस बैलेंस शीट डेट से 12 महीने बाद। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन ये नौकरी खत्म होने के बाद दिए जाते हैं, तो इस वजह से पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर है। लास्ट है टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट्स ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉय को धक्के मार के कंपनी से निकालते हो, टर्मिनेट करते हो, तो उस वक्त पे करते हो, उस वक्त पे करते हो। आप मान लीजिए आपकी कंपनी है और उस कंपनी से आप कुछ एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो, कुछ एम्प्लॉयज को एक दिन आके बोल रहे हो कि आप लोगों से ढंग का काम नहीं हो रहा, निकाल रहे हैं या कंपनी में लॉसेज चल रहे हैं तो आपको निकाल रहे हैं। तो एम्प्लॉय बेचारे रोने लगेंगे, बोलेंगे कि हम तो आपके भरोसे बैठे थे कि आप हमें नौकरी पे रख रखे हो, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर वाले खाना खा रहे हैं, अब आप एकदम से निकाल दोगे, हम पैसा कैसे कमाएंगे, घर वाले हमारे भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे हम थोड़ी सी दया करते हैं उन पे कि देखो तुम नौकरी से तो निकलो, उतनी तो हैसियत नहीं है कि तुम लोगों को नौकरी पे रख ले।
लेकिन तुम ये अब निकाल रहे हैं हम, तो उसके लिए कंपनसेशन दे रहे हैं। तो ऐसे बेनिफिट्स जो होते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स, तो इसका एग्जांपल होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। एम्प्लॉइज को रिट्रेंच करना यानी कंपनी से निकालना, उसके लिए कंपनसेशन जो दिया जाता है। तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसका डिफरेंस इतना सा है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय खुद अपनी नौकरी पूरी करके कंपनी से जाता है, खुद से जाता है, वो खुद से कंपनी से जाता है। टर्मिनेशन में आप एम्प्लॉय को धक्के देके निकालते हो, तो बेनिफिट कुछ पे करते हो, कंपनसेशन पे करते हो। तो ये चार तरीके के एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जिनकी अकाउंटिंग अपने को सीखनी है, जो कि मैं आपको पूरा सिखा चुका हूं, बस अब अपन रिवाइज कर रहे हैं आज इस लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में अपन सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। वापस से मैं क्लैरिटी दे दूं, ये रिविजन वीडियो है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग यहां नहीं होगी। जहां मुझे कोई क्वेश्चन का रेफरेंस लेना पड़ेगा तो एक दो एग्जाम्पल के रूप में मैं वो ले लूंगा, और अपन ने जो क्लास में क्वेश्चन करे थे एक आधा वो भी अपन रेफरेंस ले लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। बाकी ये जैसे लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कंसेप्ट से रिवाइज हो रहे हैं, तो ये रिविजन वीडियो है। फुल लेक्चर तो अपना क्लास में अपन ने किया हुआ है सारे क्वेश्चन के साथ, तो अपन इसमें सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो जो लोग यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं सिर्फ रिविजन वीडियो के थ्रू या कंसेप्ट ये सुनने वाले हैं, तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी। आप फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करोगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे सुनने के बाद बहुत आराम से। तो मैंने आपको एम्प्लॉई बेनिफिट्स का मतलब बताया, चार तरीके के एम्प्लॉई बेनिफिट्स बताए। अब इसमें एक नोट डाला है मैंने, एक नोट क्या है, ये नोट है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि आप में से अगर किसी ने दिमाग चलाया होगा तो उसको समझ में भी आ गया होगा। हमने एक एम्प्लॉई बेनिफिट और पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो तो इंडियस 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज, SBP टू एम्प्लॉयज, उसमें भी क्या था, हम एम्प्लॉयज से सर्विसेज ले रहे थे और उसके बदले उन एम्प्लॉयज को हम हमारी कंपनी के शेयर इशू करके दे रहे थे, या हमारे शेयर्स के बेस पे उनको पेमेंट करके दे रहे थे, अगर याद आ रहा हो तो। तो सर वो भी तो एक एम्प्लॉय बेनिफिट था, बिल्कुल वो भी एक एम्प्लॉय बेनिफिट था। शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज जो हमने इंडियस 102 में पढ़ा था वो भी एक एम्प्लॉय बेनिफिट था। तो सर उस पर इंडियस 102 क्यों अकाउंटिंग बताता है, इंडियस 19 क्यों नहीं बताता, तो उसके लिए मैंने क्लास में भी क्लेरिफिकेशन दिया था कि अगर किसी चीज के लिए स्पेसिफिक इंडेक्स अगर बना दिया इंडेक्स वालों ने तो वही अप्लाई होगा। यानी शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज वाले जो एम्प्लॉय बेनिफिट है उस पे इंडेक्स 102 ही लगेगा, इंडेक्स 19 नहीं लगेगा। उसका रीजन मैंने दिया था कि ये इंडेक्स बनाने वाले की मर्जी है, वो उसको अलग तरीके से उसने अलग इंडेक्स बनाया, क्योंकि उसको लगा होगा कि शेयर बेस्ड पेमेंट वाले जो एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं उसमें कुछ अलग कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इस वजह से उसका एक अलग इंडेक्स बना देना चाहिए, वो उसकी मर्जी है। तो इस वजह से उस जो उस कैटेगरी के एम्प्लॉय बेनिफिट है शेयर बेस्ड पेमेंट वाले उस पे इंडेक्स 102 ही लगाएंगे, इंडेक्स 19 के अंदर वो नहीं आएगा। इसके बाद देखिए, अब अपने को अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स देखनी है तो उससे पहले एक रूल जान लीजिए। अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स में मैंने आपको नोट्स में सब समझाया, सारे स्टेप्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में काम चल जाएगा। पर आपको लॉजिक समझना है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्लास में बोला था कि अक्रूअल कंसेप्ट इस इंडेक्स का बेस लॉजिक है। अक्रूअल कंसेप्ट सभी इंडेक्स में बेस लॉजिक है, सभी इंडेक्स में पूरी अकाउंटिंग ही अक्रूअल कंसेप्ट पे होती है, पर इस इंडेक्स की जो लॉजिक मैं आपको डिफाइन करूंगा, जो लॉजिक समझाऊंगा, उनके पीछे सबसे मेन बेस जो है वो अक्रूअल कंसेप्ट है। इस इंडेक्स की नींव समझ लो, अक्रूअल कंसेप्ट अगर आप दिमाग में बैठा के रखते हो तो इस इंडेक्स के लॉजिक समझ में आ जाएंगे। तो अब रिवीजन के टाइम पे भी आप अक्रूअल कंसेप्ट माइंड में पहले फिट रखना, फिर लॉजिक समझना, तो आपको सब समझ में आने वाला है। तो अक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस इंडेक्स में अब अपने को क्या करना है, एम्प्लॉई को हमने बेनिफिट्स दिए, कंपनी अपने एम्प्लॉई से सर्विसेज ले रही है, उनको बेनिफिट्स दे रही है, तो कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। एम्प्लॉई को जो मैं बेनिफिट दे रहा हूं वो मेरे लिए खर्चा है, तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो कब करेंगे, जब वो अक्रू हो जाए, जिस दिन एम्प्लॉय का बेनिफिट अक्रू हो जाएगा, जिस दिन एम्प्लॉय का बेनिफिट अक्रू हो जाएगा उस दिन हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। अक्रू कब होगा, जिस दिन एम्प्लॉय हमें सर्विस दे देगा। भाई मान लीजिए मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला ये काम पूरा करो और मैं आपको सैलरी दूंगा, तो एम्प्लॉय जैसे ही मुझे सर्विस देगा उसके पास राइट आ जाएगा ना मेरे से सैलरी मांगने का, और मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी उसे पे करने की। तो अक्रू कब होगा, जिस दिन एम्प्लॉय सर्विस रेंडर कर देगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इस इंडेक्स का मेन कंसेप्ट है अक्रूअल कंसेप्ट, जिसके बेसिस पर सारे लॉजिक बनेंगे, लॉजिक समझने हैं तो। यानी हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड करेंगे उस पीरियड में जब एम्प्लॉय हमें सर्विस दे देगा। तो ये था इस इंडेक्स का इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग सीखना। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में तीन तरीके के शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं सैलरी और वेजेस की बात कर रहा हूँ। सैलरी और वेजेस शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं। मैंने आपको समझाया कि सैलरी अगर हम किसी को देते हैं तो जनरली हम विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट के अंदर अंदर पे कर देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। सर अगर विद इन 12 मंथ्स में ना पे कर रहे हो, आफ्टर 12 मंथ्स कर रहे हो, तो भाई ये भी अदर लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट, बाकी वो जनरली होता नहीं है। अब सैलरी वेजेस की अकाउंटिंग मैं आपको सिखा तो रहा हूं जो इंडेक्स में दे रखी है, इस वजह से इस पे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपकी पूरा रिवीजन करवा देगी जो आपने 11th क्लास में सैलरी की अकाउंटिंग पढ़ी थी, और बाकी वाले कंसेप्ट जो भी हैं इस इंडेक्स में उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आती। इस वजह से सबसे पहले अपन सैलरी और वेजेस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं।
देखिए सैलरी वेजेस की अकाउंटिंग आपको आती है, सिंपल सी अकाउंटिंग है। जिस दिन सैलरी अक्रू हुई और आपने पे कर दी तो उस दिन आप क्या एंट्री पास करोगे? देखो आप सैलरी अक्रू और पे, अक्रू होते ही अगर आप सैलरी पे कर देते हो तो क्या अकाउंटिंग करोगे? उसके लिए मैंने आपको क्लास में कुछ वर्किंग करी थी। इससे देखिए, मान लीजिए मेरे एम्प्लॉई को मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको मंथली 10,000 रुपीज़ की सैलरी दूंगा, मंथली 10,000 रुपीज़ की सैलरी दूंगा। आज है अप्रैल मंथ, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ये मेरा पूरा महीना है, इस पूरे महीने की मुझे 10,000 रुपये की सैलरी देनी है। तो बताओ ये सैलरी अक्रू कब होगी? क्योंकि इंडेक्स क्या बोलता है, अक्रूवल पे रिकॉर्ड करो। तो अक्रू कब होगी इस पूरे महीने की सैलरी? 30 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई से सर्विसेज कब मिली? मैंने बोला एक महीने की सैलरी 10,000 है, तो पूरा महीना जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन एम्प्लॉई बोलेगा देखो मैंने पूरे महीने की सर्विस दे दी, लाओ मेरी सैलरी दो, तो उस दिन अक्रू हो जाएगी उसकी सैलरी। तो यानी हर मंथ के एंड में, यानी जब सैलरी अक्रू हो जाए, जब सामने वाला मेरे को सर्विस रेंडर कर दे जो हमने प्रॉमिस करा था उसके एग्रीमेंट में, उस दिन आपको एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या पास करूंगा? मेरे लिए सैलरी खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मैंने उसको बैंक से पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट। अब सैलरी जो खर्चा है वो कहां जाएगा? पीएनएल के अंदर। सैलरी मेरे लिए खर्चा है तो ये मेरा जाएगा पीएनएल के अंदर। लेकिन पीएनएल में भी आप देखो, पहले हम पढ़ते थे 11th क्लास में ट्रेडिशनल पीएनएल, जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनता था, टू साइड में सैलरी दिखा देते तो काम खत्म हो जाता था। अब हम कंपनीज के लिए पढ़ रहे हैं तो कंपनीज में वर्टिकल फॉर्मेट में जो पीएनएल बनता है उसमें कोई टू बाय साइड नहीं होती है, उसके अंदर तो कुछ कैटेगरीज होती है। तो अगर आपने नोटिस किया हो, जब मैंने शेड्यूल 3 पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था एक्सपेंसिव में एक हेड था एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर इस सैलरी को हम दिखाएंगे। आपको मैं एक बार शेड्यूल 3 वापस से दिखा देता हूं। इसके जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, शेड्यूल 3 के लेक्चर में पीएनएल के स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में अगर आप देखोगे तो एक हेड होता था एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। तो जो सैलरी का खर्चा है पीएनएल में कौन से हेड में जाएगा? इस हेड में आप दिखाओगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वो सब यहां मेंशन किया है। ठीक है, तो सैलरी का खर्चा आपको रिकॉर्ड करना है तो एंट्री होगी सैलरी टू बैंक। अब कुछ लोगों को दिक्कत क्या आती है, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं समझते हैं नहीं, 11th क्लास में अटके हुए हैं कि आईसीआई ने सर इस क्वेश्चन में पीएनएल टू बैंक कर दिया, आपने तो बोला था सैलरी टू बैंक। अरे मेरे भाई, पीएनएल टू बैंक करो या सैलरी टू बैंक करो, बात एक ही है ना, सैलरी पीएनएल में तो जानी है। सर एक क्वेश्चन में आईसीआई ने एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू बैंक कर दिया, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक लॉजिकली सही है। ठीक है, तो एग्जाम में आप सैलरी टू बैंक, पीएनएल टू बैंक, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू बैंक कुछ भी लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबका मीनिंग सेम है। तो इस चीज से रिलेटेड किसी की क्वेरी नहीं आनी चाहिए। क्लास वाले स्टूडेंट्स को तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, उनको सब समझाया हुआ है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी ये फालतू क्वेरी में अटके पड़े रहते हैं मार्केट में दूसरे फालतू वीडियोज देख के, तो उन लोगों के लिए मैं ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। एंट्री में आप कोई भी वर्डिंग लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिंपल सी एंट्री है। अब देखिए दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया जब सैलरी अक्रू हो जाए और पे हो जाए। दूसरा सिनेरियो, जब सैलरी अक्रू तो हो गई लेकिन अभी मैंने पे नहीं करी, तो वही खर्चा तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा सैलरी पीएनएल एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में। टू, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मेरी लाइबिलिटी अभी मैंने पे नहीं करी, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, और जब पे करूंगा तो सैलरी आउटस्टैंडिंग टू बैंक। यहाँ पे भी वापस से बता रहा हूँ, वही लोगों को दिक्कत आती है, सर हमने तो 11th क्लास में पढ़ा था टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारे टीचर ने तो ये सिखाया था, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखवा रहे हो, अब मैं क्या करूँ? और ये वास्तव में मेरे पास क्वेरी आ चुकी है, उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं सीए फाइनल में, तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। आप यहाँ टू सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो, सैलरी लाइबिलिटी लिखो, जो लिखना है वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर ध्यान रखना। और थर्ड सिनेरियो, अगर हमने सैलरी एडवांस में पे कर दी, मान लीजिए पूरे अप्रैल मंथ की सैलरी मैंने उसे 10,000 रुपये प्रॉमिस करी थी, तो आज 1 अप्रैल है और आज ही मैंने उसको सैलरी पे कर दी, तो बताओ क्या आज के दिन सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था? इंडेक्स क्या बोलता है, जिस दिन अक्रू हो जाए, जिस दिन एम्प्लॉई से सर्विसेज मिल जाए, क्या आज सर्विस ले ली? भाई अप्रैल महीने की सर्विस अभी तो स्टार्ट होगी, 30 अप्रैल को सैलरी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो आज मैंने क्या किया, एक तरीके से एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो इसे हम बोलते हैं प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। आप असेट बुक करोगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट या फिर एडवांस सैलरी अकाउंट, कुछ भी लिख लो, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने पैसा दे दिया। और जब मंथ एंड आएगा 30 अप्रैल, तो उस दिन मैं क्या करूंगा, खर्चा बुक करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट। टू, क्या वापस पे करूँ? पे तो ऑलरेडी कर रखा है, तो पहले कर रखा था तो एक असेट बनाई थी प्रीपेड सैलरी, उसको क्रेडिट कर दूंगा टू प्रीपेड सैलरी। ये मैंने आपका रिवीजन करवा दिया 11th क्लास की सैलरी वेजेस का, जो ये इंडेक्स आपको बताता है, सिंपल सा है, इस पर कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, बस एक तरीके से रिवीजन समझ लो जो बेसिक कंसेप्ट है उसका। अब आगे चलिए, अब दूसरा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट होता है बोनस। बोनस भी एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट होता है। बोनस होता क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए। बोनस क्या है? बोनस में आप अपने एम्प्लॉई को कुछ पेमेंट प्रॉमिस करते हो, आप अपने एम्प्लॉई को कुछ पेमेंट प्रॉमिस करते हो कुछ कंडीशन मीट आउट करवाने पर। आप बोलते हो अपने एम्प्लॉयज को, चढ़ाते हो एक तरीके से। मान लीजिए मैंने एक मीटिंग बुलाई, मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज थे और मैंने एक दिन मीटिंग बुलाई, मैंने बोला देखो भाई लोगों, अपना अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001, ये अपना करंट फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ का, 1 ईयर का ये पीरियड है अपना।
मैं चाहता हूँ, देखो आप लोग इस कंपनी के मालिक हो, हम तो क्या है, हम तो चेयर पे बैठे रहते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, असली काम तो आप लोग करते हो, हम तो बस बैठ के साइन करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है, असली मालिक तो आप लोग हो, आप लोगों की मेहनत से कंपनी चल रही है, तो ऐसे एम्प्लॉइज को चढ़ाया। और उसके बाद मैंने उन लोगों को बोला, मैंने एम्प्लॉइज को बोला, देखो आप लोगों को सैलरी मिलती है अच्छी बात है, लेकिन आप मालिक हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोगों ने इस करंट ईयर में सेल्स जो है, हमारी कंपनी की सेल्स जो है उसको 10 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड करवा दिया, टारगेट कर दे दिया मैंने उनको, मैंने अपने एम्प्लॉइज को एक टारगेट दे दिया कि हमारी कंपनी की सेल्स आप करंट ईयर में 10 करोड़ रुपए से एक्सीड करवा दो, मैं आप सभी को 10,000 रुपए बोनस के रूप में पे करूंगा, 10,000 रुपीज पर एम्प्लॉय में बोनस के रूप में आप लोगों को पेमेंट करूंगा। तो एम्प्लॉइज में एक अलग ही मोटिवेशन आ गया, एम्प्लॉइज ने बोला देखो कितना अच्छा मालिक है हमारी कंपनी का, हमें मालिक बोल रहा है, हमें ओनर बोल रहा है, और अब हमें वो बोनस देने की भी बात कर रहा है, तो अब चलो लग जाते हैं काम पे, अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि ये बोनस कंपनी से ले सके। तो कंपनी बोनस अनाउंस करती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, उनसे अच्छे से काम करवाने के लिए उनको टारगेट दे देती है। जब आप अपने एम्प्लॉइज को कुछ टारगेट देते हो, कुछ कंडीशन देते हो, और वो कंडीशन एम्प्लॉइज मीट आउट कर देते हैं, तो आपको उनको बोनस जो आपने प्रॉमिस किया था वो देना पड़ता है। बोनस टारगेट बेस भी दिया जाता है, कंडीशन बेस भी, और एक बोनस होता है स्टैट्यूटरी बोनस एक्ट करके भी एक चीज, अगर कभी आपने पढ़ी हो तो उसमें भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज को, कुछ एम्प्लॉइज को एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बोनस देना मैंडेटरी होता है। तो वो वाला बोनस हो चाहे ये वाला बोनस हो, उसकी अकाउंटिंग अपने को सीखनी है। तो मैं इस एग्जांपल से आगे कंटिन्यू करूंगा आपको समझाना। तो देखिए, मैंने बोनस प्रॉमिस किया अपने एम्प्लॉय को कि इस तरीके से मैं दूंगा, अगर आपने करंट ईयर में सेल्स 10 करोड़ एक्सीड करा दी तो 10,000 पर एम्प्लॉय मैं बोनस आप लोगों को पे कर दूंगा। अब इस बोनस को सर मैं रिकॉर्ड कैसे करूं, कब रिकॉर्ड करूं, सबसे मेन पॉइंट वही आता है, इसको रिकॉर्ड कब करा जाए। तो मैंने बोला इस इंडेक्स में लॉजिक समझना है तो अक्रूवल कंसेप्ट माइंड में फिट रखो, जब आपको सर्विस मिल जाए तब रिकॉर्ड करो। तो अब देखो ये पूरा मेरे को पता कैसे चलेगा कि बोनस एक्चुअल में पे होना भी है नहीं होना, वो पता चलेगा जिस दिन टारगेट मीट होगा या नहीं होगा तब पता चलेगा। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैंने उसे टारगेट दिया अपने एम्प्लॉइज को, तो 31 मार्च 2001 जो डेट आएगी, 31 मार्च वाले दिन मुझे पता चल चुका होगा कि मुझे बोनस पे करना है या नहीं करना। कैसे पता चल चुका होगा, क्योंकि आज के दिन या तो टारगेट मीट हुआ होगा या फिर टारगेट मीट नहीं हुआ होगा, दो ही सिनेरियो होंगे, या तो टारगेट मीट नहीं हुआ या टारगेट मीट हो चुका। कौन सा टारगेट, सेल्स 10 करोड़ रुपए एक्सीड कर गई होगी पूरे फाइनेंशियल ईयर की या नहीं करी होगी। अगर सेल्स मान लो पूरे फाइनेंशियल ईयर की 10 करोड़ एक्सीड नहीं करी, इसका मतलब एम्प्लॉइज ने क्या बोनस की कंडीशन को मीट आउट किया, नहीं किया, तो क्या उन्हें बोनस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो जब मुझे कोई पेमेंट करना ही नहीं है तो क्या मुझे उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो टारगेट मीट नहीं हुआ तो बोनस रिकॉर्ड करना ही नहीं है, बात ही खत्म, ठीक है। दूसरा सिनेरियो देखो, 31 मार्च को टारगेट मीट हो गया, मैंने एम्प्लॉइज को बोला था 10 करोड़ सेल क्रॉस करवा देना, उन्होंने क्रॉस करवा दी, ईयर एंड पे मुझे पता चल गया सेल क्रॉस हो चुकी है, तो यानी अब बोनस अक्रू हो चुका है, आज के दिन बोनस अक्रू हो चुका है, क्योंकि अब वो बोनस लेने के लिए एलिजिबल है, एम्प्लॉइज बोनस लेने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आज के दिन एम्प्लॉइज मेरे पास आके खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं सर आपने बोला था 10 करोड़ सेल का टारगेट क्रॉस होते ही 10,000 रुपये का बोनस दूंगा, हमने करा दिया, लाओ बोनस। तो उनके पास राइट है आज के दिन मेरे से बोनस मांगने का, मेरे पर लाइबिलिटी आ चुकी है, यानी आज के दिन बोनस अक्रू हो गया है, क्योंकि जो मैंने उनको प्रॉमिस कंडीशन दी थी वो उन्होंने प्रॉमिस पूरा कर दिया है, वो सर्विस उन्होंने मुझे दे दी है, तो आज के दिन मुझे पूरी सर्विस मिल चुकी है उनसे, जो कंडीशन मैंने दी थी वो उन्होंने फुलफिल कर दी है, तो आज के दिन बोनस अक्रू हो चुका है। तो आज के दिन मुझे खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बोनस का खर्चा कब रिकॉर्ड होगा, जिस दिन कंडीशन मीट आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट आपको समझाया था, बोनस आप उस दिन रिकॉर्ड करोगे ऑन द डेट व्हेन द कंडीशन टू रिसीव बोनस मेट बाय दी एम्प्लॉई, जिस दिन एम्प्लॉई कंडीशन मीट आउट कर देंगे बोनस रिसीव करने की, उसी दिन आपको कंपनी को खर्चा रिकॉर्ड कर लेना है बोनस का। अब जनरल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, देखो जब कंडीशन मीट आउट कर देंगे एम्प्लॉई बोनस रिसीव करने की, यानी जिस दिन बोनस अक्रू हुआ उस दिन एक तो बोनस का खर्चा रिकॉर्ड होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, बोनस अकाउंट डेबिट, बोनस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेरा खर्चा है तो डेबिट होगा, कहां जाएगा, पीएनएल में, वही एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस ही चल रहा है ना पूरा का पूरा, तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस हेड में चला जाएगा। टू, मैंने अभी पे नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला था कि देखो अगर आपने टारगेट पूरा कर दिया तो बोनस जो है मैं आपको कब पे करूंगा, 31 जुलाई 2001, यानी आज से कितने टाइम बाद, आज से 4 महीने बाद मैं आप लोगों को बोनस पे कर दूंगा, तो बैलेंस शीट डेट से विद इन 4 मंथ पे होने वाला है, तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, जनरली बोनस जो है ना वो शॉर्ट टर्म में ही पे हो जाता है बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर सर ये विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे नहीं हो रहा होता, बाद में पे हो रहा होता, तो क्या ये लॉन्ग टर्म बनता, बिल्कुल लॉन्ग टर्म बन जाता, आपको बस सब्सटेंस पे जाना है, ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस पकड़नी है, बाकी जनरली सैलरी वेजेस बोनस वगैरह जितने भी आइटम होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म ही होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली शॉर्ट टर्म ही मिलेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म होता है एज पर कंडीशन तो लॉन्ग टर्म वाली अकाउंटिंग कर लेंगे, क्लियर।
तो आपको 31 जुलाई को पे करेंगे ऐसा बोला, तो बोनस तो मुझे रिकॉर्ड करना अक्रू वाले दिन 31 मार्च को। तो 31 मार्च को मैं एंट्री पास करूंगा, बोनस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट या बोनस लाइबिलिटी कुछ भी लिख दो, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम में आई सी आई जनरली प्रोविजन फॉर बोनस लिखने की प्रेफरेबिलिटी देता है, तो अपन भी प्रोविजन फॉर बोनस ही लिखेंगे, ठीक है, कि हम बोनस का प्रोविजन बना रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बोनस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट, ये आपकी लाइबिलिटी बन गई। कितने अमाउंट का बोनस रिकॉर्ड करूं, सारे एम्प्लॉई जो थे 100 थे मेरे पास और हर एम्प्लॉई को मैंने कितना बोनस प्रॉमिस किया था 10,000 पर एम्प्लॉई, तो टोटल बोनस कितना हुआ 10 लाख हो गया, 100 एम्प्लॉईज इनटू 10,000 रुपीज, ये आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आप पेमेंट करोगे यानी 31 जुलाई, उस दिन क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बोनस लाइबिलिटी खत्म यानी डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंप्लीट हो गई बोनस की अकाउंटिंग। इतना सिंपल है ये आपका टॉपिक। अब इसमें देखिए यहां पे हम एक साथ टोटल बोनस रिकॉर्ड करते हैं पर एम्प्लॉई, अलग अलग एंट्री पास मत करने बैठ जाना, किसी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉई होंगे तो आप तो पागल ही हो जाओगे। तो सर पता कैसे चलेगा कौन से एम्प्लॉई को पे कर दिया नहीं किया, तो उसके लिए अलग से एक्सेल शीट मेंटेन करी जाती है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में काम किया होगा तो उनको पता होगा पेरोल के लिए पूरा अलग से फंक्शन होता है कंपनी का, पेरोल की अलग से ऑडिट होती है, पेरोल के लिए मतलब हर कंपनी के जो हर एक एम्प्लॉयज है उसका डेटा पूरा एक्सेल में मेंटेन किया जाता है, कितने दिन वो कंपनी में आया, कितनी सैलरी है उसकी, कितनी ड्यू है, कितना बोनस बनता है, सब कुछ उस एक्सेल शीट में मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग सब एक एंट्री से होती है, बाकी एक्सेल शीट अलग से मेंटेन करी जाती है एम्प्लॉय वाइज। समझ में आई है आपको चीज? तो ये सिंपल सी बोनस की अकाउंटिंग थी। अब इसमें देखिए बोनस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, टोटल जो रिकॉर्ड करना है वो मैंने अभी समझा दिया, अमाउंट ऑफ बोनस पर एम्प्लॉई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट दी कंडीशन, एक एम्प्लॉय को कितना बोनस देना है और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं जिन्होंने कंडीशन को मीट आउट कर दिया। तो अपने एग्जाम्पल में तो टोटल 100 एम्प्लॉयज थे, उनसे ही कंडीशन मीट आउट हुई थी, उन सभी को टारगेट दिया था। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट दी कंडीशन के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। देखो कई बार कंपनी क्या बोलती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए टारगेट रखती है बोनस देने का, कि मैं आप लोगों को बोनस दूंगा अगर करंट ईयर में आप लोग पूरे साल मेरी कंपनी में नौकरी करते हो, बीच में छोड़ के नहीं जाते हो, पूरे साल अगर आप लोगों ने नौकरी कर लेना करंट ईयर में तो आपको मैं बोनस दूंगा 10,000 रुपये पर एम्प्लॉई। अब इस केस में क्या होगा, ईयर एंड आया, ईयर एंड पे मुझे पता चल जाएगा कौन से एम्प्लॉई ने पूरे साल नौकरी करी और कौन सा बीच में छोड़ के चला गया, सिर्फ बोनस कौन से को दूंगा जिन्होंने पूरे साल नौकरी करी। तो पता चला 10 एम्प्लॉयज ऐसे थे जो बीच में कंपनी छोड़ के चले गए, 90 एम्प्लॉयज ने पूरे साल नौकरी करी, तो बताओ कितने एम्प्लॉयज बोनस लेने के लिए एलिजिबल है, 90। तो खर्चा कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 90 एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट द कंडीशन कितना हो जाएगा इस केस में, 90। समझ में आया आपको? तो 10,000 रुपीज पर एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 90 एम्प्लॉयज के लिए, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने इसमें एक नोट लिखा है बोनस के केस में, कई बार जो एंटिटी यानी जो कंपनी है वो बोनस को एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के रूप में अनाउंस करती है, बोनस को प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के रूप में अनाउंस करती है, यानी एम्प्लॉयज को और भी अच्छे से फील कराना चाहती है कि वो लोग ओनर हैं। तो कंपनी देखो क्या करती है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये हमारा मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2001 से 2002, 1 अप्रैल 2001 टू 31 मार्च 2002, 100 एम्प्लॉयज है कंपनी में, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात है। इस बार कंपनी ने क्या बोला अपने एम्प्लॉयज को, कि मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ रुपीज से आप लोग एक्सीड करवा दीजिए, प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए से आप एक्सीड करवा दीजिए, मैं आप लोगों को जो हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे, जो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर के कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे उसमें 10% बोनस के रूप में दूंगा, उसका 10% बोनस के रूप में दूंगा, इसे बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। मतलब कंपनी ने टारगेट दिया, कंडीशन दी बोनस पे करेंगे, लेकिन बोनस का जो पेमेंट होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज, प्रॉफिट के पर्टिकुलर शेयर के रूप में आपको पेमेंट किया जाएगा, प्रॉफिट में आप लोगों को शेयर देंगे। तो एम्प्लॉयज को लगेगा तो प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, हम लोग तो ओनर हो गए एक तरीके से, इस वजह से। तो इसे टेक्निकल लैंग्वेज में प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बोल दिया जाता है ये भी बोनस ही है, ये भी बोनस ही, इसको बोनस ही होता है, बोनस वाली ही अकाउंटिंग लगेगी, बस इसे आप टेक्निकली प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमने टारगेट दिया 1 करोड़ से प्रॉफिट आप एक्सीड करवा दीजिए, जो भी हमारा फिर प्रॉफिट आएगा आपको उसमें 10% शेयर दे दिया जाएगा, बोनस दे दिया जाएगा, इसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। क्या 10% हर एम्प्लॉय को देंगे? नहीं भाई, 100 एम्प्लॉय हैं, 10% देंगे इतना तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, 10% ओवरऑल जो टोटल प्रॉफिट का 10% बनेगा उसे सब एम्प्लॉयज में बांट दिया जाएगा, ये है इसका मतलब। तो अब बताओ टोटल बोनस कितना पे होगा, मान लीजिए ईयर एंड पे कंपनी को पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो भी मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा था क्लास के अंदर आपका 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का कंपनी ने पूरा प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका 10% मैंने प्रॉमिस किया था कि 10% मैं शेयर इन प्रॉफिट दूंगा, तो उसका 10% दे दूंगा, कंडीशन फुलफिल हो गई, 1 करोड़ से अमाउंट क्रॉस हो गया,
तो इसका 10% यानी 12 लाख, 12 लाख रुपीज का बोनस बांट दूंगा सभी एम्प्लॉयज में, बढ़ जाएगा। तो टोटल 100 एम्प्लॉयज है, पर एम्प्लॉय कितना बोनस मिलेगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 100 यानी ₹12,000 पर एम्प्लॉय। पर जो एंट्री पास करेंगे वो तो टोटल की ही पास करेंगे, यानी बोनस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस 12 लाख का पास होगा। समझ में आई ये बात, क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान जब भी होगा ना, इस केस में आप बोनस पेबल टू एम्प्लॉय का जो अमाउंट निकालोगे, जिसकी एंट्री पास करोगे, वो कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी ने कितना कमाया वो ले लेना, मल्टीप्लाई बाय शेयर इन प्रॉफिट हमने कितना प्रॉमिस किया उसका एक्सपेक्टेड पे आउट परसेंटेज लेना, शेयर इन प्रॉफिट का एक्सपेक्टेड पे आउट परसेंटेज लेना। जैसे अपने एग्जाम्पल में ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट कमाया था 12 लाख, और मैंने बोला था 10% शेयर इन प्रॉफिट दे दूंगा, तो 10% से मल्टीप्लाई किया, ये तो नॉर्मल हो गया। आपको ये 10% से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ शेयर इन प्रॉफिट तो लेना है लेकिन एक्सपेक्टेड पे आउट। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो। देखो, मैंने 1,20,00,000 का प्रॉफिट कमाया, अब मुझे क्या लग रहा है, मैंने बोला था कि देखो ड्यूरिंग द ईयर आप 1,00,00,000 से प्रॉफिट एक्सीड करवा दो, आप लोगों को 10% हम शेयर दे देंगे। कब मिलेगा ये बोनस का पेमेंट, 31 जुलाई को मिलेगा, वही एग्जाम्पल है, आज से 4 महीने बाद मिल जाएगा, बैलेंस शीट डेट से 4 महीने बाद। अब हो सकता है ना कुछ एम्प्लॉयज उस 4 महीने के पीरियड में कंपनी छोड़ के चले जाएं, हो सकता है उस 4 महीने के पीरियड में कुछ एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के चले जाएं, तो क्या बताओ उन लोगों को बोनस का पेमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी साफ बोल देगी, देखो भाई लोगों, मैंने आप लोगों को एक कंडीशन दी थी और बोला था कि 31 जुलाई को फिर मैं बोनस का पेमेंट कर दूंगा अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो। अब अगर आप 31 जुलाई से पहले बीच में कंपनी छोड़ के चले गए तो मेरी गलती थोड़ी ना है, रुक जाते, हमने तो पहले ही बताया था बोनस तो 31 जुलाई को पे होगा अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो। आप बीच में छोड़ के चले गए तो आप भुगतो, हम तो नहीं करेंगे फिर पेमेंट। सिंपल सी बात है, जिस दिन पेमेंट होना है उस दिन आप कंपनी में हो ही नहीं तो क्यों पेमेंट करें? समझ में आई बात? तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तो अब इस केस में देखो, 31 मार्च है, आज पता चला 1,20,00,000 प्रॉफिट हो गया, टारगेट मीट आउट हो गया, बोनस देना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ्स में ना 100 एम्प्लॉयज में से 10 एम्प्लॉयज तो ऐसे हैं जो कंपनी छोड़ के जाने वाले हैं। इंडियंस हमेशा एस्टिमेशन एक्सपेक्टेशन लगाने की बात करता है कि आप एक बार एस्टिमेशन लगा के अकाउंटिंग तो करो, बाद में एस्टिमेशन चेंज होगा तो उसका उस टाइम पे इफेक्ट दे देंगे। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देते हम, एस्टिमेट का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव ही देते हैं एज पर इंडियंस एक्ट। तो उस टाइम हम देख लेंगे ज्यादा रिकॉर्ड करना है कम रिकॉर्ड करना है, पर एक बार एस्टिमेशन तो लगाओ। तो एस्टिमेशन क्या बोलता है, 90 एम्प्लॉयज ही रहेंगे जिस दिन पेमेंट होने वाला है, तो ओनली 90 एम्प्लॉयज से रिलेटेड ही शेयर इन प्रॉफिट बटना चाहिए ना। तो शेयर इन प्रॉफिट का हम जो एक्सपेक्टेड पे आउट परसेंटेज है वो उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि जो 10% मैंने प्रॉफिट बांटने की बात करी थी 9% ही पे हो पाएगा, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज तो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी कैलकुलेशन एस्टिमेशन से लग जाएगी, ठीक है? तो 1,20,00,000 का 9% आप कैलकुलेट करोगे, यानी 10,80,000 का जो अमाउंट है ये आप बोनस के रूप में रिकॉर्ड कर लोगे, ये आप बोनस रिकॉर्ड कर लोगे। अब सर कुछ लोगों के मन में आएगा 31 जुलाई को मान लो सर 90 आपने सोचा था 90 एम्प्लॉयज होंगे, उसके अकॉर्डिंग बोनस का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया था। अब 31 जुलाई को मान लो एक भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया तो पेमेंट वाले दिन, कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर बनता है वो आज के दिन खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। इंडेस ने तो बोला था एस्टिमेशन लगाओ, हमने जानबूझ के गलत थोड़ी ना कि एस्टिमेशन लगाया, अब एस्टिमेशन जरूरी थोड़ी ना सही हो, तो उसमें चेंज है तो हम ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। और सर चेंज ऐसा है, मान लो 90 एम्प्लॉयज हमने सोचे थे पर 20 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, यानी 80 ही बचे, हमने 10 एम्प्लॉयज का ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है, तो कोई बात नहीं, उतना प्रोविजन जो बनाया था बोनस का उतना वापस रिवर्स कर देंगे पीएनएल में। कब? 31 जुलाई को। यानी आप एक बार एस्टिमेशन लगा लो, फिर जो एक्चुअल पेमेंट डेट होगी ना उस दिन के अकॉर्डिंग एक्चुअल में पेमेंट हो जाएगा, बचा हुआ जो खर्चा होगा ना वह तो पीएनएल से वापस रिकॉर्ड हो जाएगा एक्स्ट्रा खर्चा, नहीं तो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो चुका है तो पीएनएल में रिवर्स हो जाएगा उस दिन। बात इतनी सी है, एस्टिमेशन लगाना है, बात खत्म, बोनस का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट देखिए आप, लीव कंपनसेशन। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में नेक्स्ट है लीव कंपनसेशन, जिसे आप पेड लीव, पेड वेकेशन या कंपनसेटिंग एब्सेंस भी बोल सकते हो। इसे आप किसी भी नाम से जान सकते हो, क्वेश्चन में किसी भी नाम से अवेलेबल हो सकता है। इसको समझने के लिए पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना, जो लोग पहली बार यहाँ से यूट्यूब से देख रहे हैं, क्लास वालों को समझाया हुआ है तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बाकी जो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कंसंट्रेशन बना लेना, अच्छे से समझने का ये टॉपिक है। देखिए लीव कंपनसेशन, पेड वकेशन, पेड लीव्स या कंपनसेटिंग एब्सेंसेस, इनका मतलब क्या है? तो देखो पेड लीव्स क्या होती है, ऐसी लीव्स जो एम्प्लॉय अगर लेता है तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी,
एम्प्लॉय को मैंने बोला तेरे पास 20 पेड लीव है, 20 पेड लीव है, तो अगर वो 20 दिन कंपनी में आता नहीं है, ऑफिस से छुट्टी ले लेता है, तो भी मैं उसकी सैलरी नहीं काट पाऊंगा, उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, उसे फुल पेमेंट मिलेगा उन दिन का भी। पेड लीव्स मतलब ऐसी छुट्टियां जिनके बदले एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटी जाएगी, माइंड में फिट कर लो। पेड लीव्स मतलब वो छुट्टियां जिनके बदले मैं एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काट सकता, जिनके बदले मैं एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काट सकता, वो ऑफिस नहीं आएगा तो भी उसको फुल सैलरी मिलेगी उन दिन के लिए जो मैंने उसके एग्रीमेंट में पेड लीव्स प्रॉमिस कर रखी है। समझ में आई इतनी बात? इसी वजह से इसका नाम होता है लीव कंपनसेशन। लीव कंपनसेशन यानी वो छुट्टियां जिनके बदले भी आपको कंपनसेशन यानी पेमेंट मिल रहा है, सैलरी कट नहीं रही है, या पेड लीव्स ऐसी छुट्टियां जिनका भी आपको पेमेंट मिल रहा है। पेड वैकेशन, वैकेशन यानी लीव, सेम चीज हो गई। कंपनसेटिंग एब्सेंसेज, एब्सेंसेज यानी छुट्टी, ऐसी छुट्टी जिसका कंपनसेशन मिल रहा है, जिसका पेमेंट मिल रहा है, यानी कंपनसेटिंग एब्सेंसेज। तो आपको नाम समझ में आ गए होंगे, किसी भी नाम से बोल लो एक ही मतलब है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल लिया था, उससे समझ लो। मैं आपको अभी सिर्फ पेड लीव का कंसेप्ट बता रहा हूं, अकाउंटिंग नहीं बता रहा हूं, अकाउंटिंग बाद में सीखेंगे, पहले समझ लो पेड लीव वर्क कैसे करती है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल में, तभी आप इसकी अकाउंटिंग सीख पाओगे, जो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद जॉब भी कर रहे होंगे फिर भी उनको पता नहीं होगा, ठीक है। जिनको बहुत टाइम हो गया जॉब करते हुए उनको तो समझ में आ ही जाता है, जो अभी अभी जॉब स्टार्ट कर रहे होंगे उन्हीं लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि ये वर्क कैसे करती है पेड लीव्स, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ध्यान से देख लो एक बार आप लोग। देखो अब आप लोग, मैंने एक अपने एम्प्लॉई हायर किया और उस एम्प्लॉय को मैंने बोला कि देख देखो एनुअल सैलरी मैं 30 लाख रुपए की दूंगा, यानी सीटीसी, जिसे आप सीटीसी या पैकेज बोलते हो, कोस्ट टू कंपनी। मैंने उसको बोला कि भाई देखो 30 लाख रुपए का पैकेज है तेरा, एनुअल पैकेज कितना है 30 लाख रुपए का, ये मैंने उसको एनुअल सैलरी प्रॉमिस कर दी। अब एनुअल सैलरी प्रॉमिस करिए तो हमारे माइंड में क्या आता है, पूरे एक साल की सैलरी, पूरे एक साल मतलब 12 महीने मतलब 365 दिन, पूरे साल में टोटल डेज कितने होते हैं, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो सर ये हमें 365 दिन की सैलरी प्रॉमिस करी गई है। कितने दिन की सैलरी प्रॉमिस करी गई है, 365 दिन की, ऐसा हमें लगता है कि ये हमारी 365 दिन की सैलरी है। पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये सैलरी है ना 365 दिन की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एज पर गवर्नमेंट कुछ ऑफिशियल हॉलीडेज होती हैं, कुछ ऑफिशियल हॉलीडेज होती हैं जिन दिन कंपनी का ऑफिस बंद रहता है, जिन दिन कंपनी का ऑफिस ही बंद रहता है। तो बताओ जिस दिन कंपनी का ऑफिस ही बंद रहेगा तो उस दिन क्या आपको ऑफिस जाना पड़ेगा? भाई ऑफिस पे ही दरवाजे पे ताला लगा हुआ है तो आप क्या ताला तोड़ के अंदर जाओगे? आप ज़्यादा मान लो बॉस के गुलाम हो, आपको तो लगता है मैं तो हमेशा काम करूंगा, तो ताला तोड़ के तो आप भी नहीं जाओगे, उस दिन तो आपको भी घर पर बैठना पड़ेगा। तो कुछ ऑफिशियल हॉलीडेज होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी होती हैं एम्प्लॉइज को देना, जो कि होती है संडेज की, हर संडे की छुट्टी देना मैंडेटरी है एज पर गवर्नमेंट, हर संडे की छुट्टी देना मैंडेटरी है। और एक पब्लिक हॉलीडेज जैसे आपका हुआ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या गांधी जयंती, इस तरीके से कुछ पब्लिक हॉलीडेज होते हैं साल में जो गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है, ठीक है, वो लिस्ट गवर्नमेंट पे आपको मिल जाएगी ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन के थ्रू। तो संडेज और पब्लिक हॉलीडेज ये ऐसी छुट्टियां हैं जो हर कंपनी को मैंडेटरी देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉइज को। क्यों? क्योंकि इन दिन कंपनी का ऑफिस ही बंद रहता है, ऑफिस पे ही ताला लगा हुआ होता है। यानी 365 दिन में आप देखो 52 वीक्स होते हैं पूरे साल में, 52 वीक्स में यानी 52 संडेज आएंगे, तो 52 तो संडे हो गए। और एक बार मैं मान लेता हूं पब्लिक हॉलीडे 13 होती होंगी, 13 पब्लिक हॉलीडे होते होंगे। अब ये मत सोच लेना प्रैक्टिकल लाइफ में सर 13 ही होते हैं, आप गूगल से लिस्ट निकाल के लाओ, सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो इतनी पब्लिक हॉलीडे होते हैं, आप 13 कैसे बोल रहे हो? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, प्रैक्टिकलिटी पे मत चले जाना ज्यादा भी। तो मान लो कि 65 डेज ऐसे हैं जिनमें ऑफिशियल हॉलीडे होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिन दिन कंपनीज के ऑफिस ही बंद रहेंगे, यानी ऑफिस कितने दिन खुले रहेंगे कंपनी के, 300 डेज, 300 दिन, साल में 300 दिन कंपनी का ऑफिस खुला रहने वाला है, जिसे बोला जाता है वर्किंग डेज, इन्हें बोला जाता है वर्किंग डेज, ध्यान रख लेना। वर्किंग डेज का मतलब वो दिन जब कंपनी का ऑफिस खुला रहे, वर्किंग डेज मींस ऑल द डेज इन विच ऑफिस ऑफ द कंपनी रिमेंस ओपन, वो दिन जब कंपनी का ऑफिस खुला रहेगा। ये कहीं इन डेज में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं ताकि पेड लीव समझ में आ जाए आपको। तो वर्किंग डेज मतलब वो दिन जब कंपनी का ऑफिस खुला रहेगा, समझ में आया? कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत सी कंपनी रहती हैं जो सैटरडे को भी ऑफिस बंद रखती हैं, तो क्या होगा? तो सैटरडे के 52 डेज साल के इसमें से माइनस हो जाएंगे, मतलब आपको ऑफिशियल हॉलीडे जो भी हो ना जिन कंपनीज में सैटरडे अप्लाई होता है वो भी लेस हो जाएगा। समझ में आया आपको? बस मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, आप समझो बस उतना, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा।
तो वर्किंग डेज होते हैं 300 दिन एक एग्जांपल के लिए इस कंपनी के लिए, यानी जिन दिन कंपनी का ऑफिस खुला रहता है, यानी एम्प्लॉय कितना भी हद मार ले 300 दिन से तो ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता, चाहे कितना ही वो बॉस का गुलाम बन जाए, वो बॉस के पूरे दिन तलवे चाटता रहे, चाहे उसके घर पर जाके उसकी सेवा करे, लेकिन कंपनी में तो वो 300 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि बाकी दिन तो कंपनी का ऑफिस ही बंद रहता है। समझ में आई आपको ये बात? तो जब मैंने अपने एम्प्लॉय को 30 लाख रुपये की सैलरी प्रॉमिस करी, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला देख तुझे 30 लाख का पैकेज देंगे, तो वो सोचा होगा पूरे साल का पैकेज है, पर पूरे साल का पैकेज है तो उसके मन में और मेरे मन में, मैं कंपनी सामने वाला एम्प्लॉई, दोनों के मन में एक चीज ऑलरेडी इंप्लाइड है जो कि कहीं पे लिखी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखी है, लेकिन वो इंप्लाइड है, उसको भी पता है और मुझे भी पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या पता है कि 65 डेज तो साल में ऐसे हैं जब कंपनी का ऑफिस बंद रहेगा, ना उसे काम करना और ना मुझे काम करने बुलाना है संडे और पब्लिक हॉलीडेज को, यह चीज दोनों तरफ से इंप्लाइड है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। समझ में आई? ये चीज उसको भी पता है, मुझे भी पता है, यानी उसको भी पता है कि साल में उसको काम तो 300 दिन ही करना है, साल में काम तो 300 दिन ही करना है, यानी जो 30 लाख रुपीस की उसे मैंने सैलरी प्रॉमिस करी है वो कितने दिन के लिए करी है? 365 की 300 दिन के लिए, बस ये ध्यान रखना। तो एम्प्लॉय को जो भी सैलरी प्रॉमिस करी जाती है ना, वो वर्किंग डेज के लिए करी जाती है कि भाई मैं काम करने तो 300 दिन ही बुलाऊंगा, तो सैलरी 300 दिन की, हम बोल देते हैं उसको एनुअल सैलरी, पूरे साल का पैकेज है, पर अगर उसको रियलिटी में अगर इन सब्सटेंस समझा जाए, इन सब्सटेंस अकाउंटिंग के लिए हम सोचना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए इन सब्सटेंस समझा जाए, तो वो वर्किंग डेज की सैलरी होती है, 300 दिन की सैलरी है, ठीक है। उसको तो महीने के महीने क्रेडिट होता रहेगा उसके अकाउंट में तो पैसा, पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो 300 दिन की सैलरी है। तो अगर मैं सैलरी पर डे एक दिन की सैलरी निकालना चाहूं, मैं एक दिन के एम्प्लॉय को कितना पैसा दे रहा हूं, तो सर 30 लाख डिवाइडेड बाय 300 डेज, यानी 10,000 रुपए एक दिन के दे रहा हूं। इतना मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक पेड लीव्स का मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आपको समझाया कि सैलरी का कंपोनेंट कैसे वर्कआउट करता है प्रैक्टिकली। अब आगे देखिए, अब है पेड लीव्स। मैंने अपने एम्प्लॉय को हायर किया, बोला 30 लाख की सैलरी दूंगा, उसमें 65 दिन तो ऑफिशियल हॉलीडे है भाई, संडे और पब्लिक हॉलीडे की ऑफिस ही नहीं खुला रहेगा, 300 दिन काम करना है। इसके बाद मैंने उसे बोला, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि तुझे पेड लीव दूंगा 20 डेज की, मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन कर दिया, भाई मैं तुझे 20 दिन की पेड लीव दूंगा, 20 डेज की पेड लीव दूंगा। अब वो बंदा क्या था, बेचारा ना समझता, कभी पढ़ा नहीं था उसने इंडिया 19, वो सोच रहा है ये 20 दिन की छुट्टियां, शायद वो संडेज की बात कर रहा है या कोई और पब्लिक हॉलीडेज की बात कर रहा है, वो संडेज को ये पेड लीव समझ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, यानी उसको लग रहा था सिर्फ 20 संडे की मैं छुट्टी ले सकता हूँ, लेकिन वो बेवकूफ ना समझ इंसान था, उसको पता नहीं था ये पेड लीव का मतलब है कि भाई ये दिन तो ऑफिशियल हॉलीडे है, ऑफिस ही बंद है, ऑफिस ही बंद है, तो कहाँ कौन सी छुट्टी की बात आ रही है, ये पेड लीव्स है, उनसे एक्स्ट्रा उनके अलावा, यानी वर्किंग डेज में से आप छुट्टी ले सकते हो, वर्किंग डेज में से आप छुट्टी ले सकते हो, आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, ये है इसका मतलब। यानी साल में इस कंपनी के लिए 300 वर्किंग डेज है, 300 वर्किंग डेज है, तो 300 वर्किंग डेज में से अगर इसने 20 दिन की पेड लीव ले भी ली, 20 दिन की छुट्टियां ले ली, वर्किंग डेज मतलब वो दिन जिस दिन उसको कंपनी में ऑफिस में आना है, ऑफिस खुला है, जब ऑफिस खुला है ऑफिस में आना है, उस दिन भी अगर उसने 20 दिन की छुट्टियां ले ली, यानी वो अगर 280 दिन भी कंपनी में आता है नौकरी करने, अगर वो पूरे साल में 280 डेज भी नौकरी करने आता है, तो भी उसे पूरी सैलरी मिलेगी, पूरे 30 लाख रुपए की, पूरे साल का फुल पैकेज मिलेगा उसे, एक दिन की 1 रुपए की सैलरी भी कट नहीं करी जा सकती क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। समझ में आया पेड लीव का कंसेप्ट? पेड लीव का मतलब है जब कंपनी का ऑफिस खुला है, वर्किंग डेज है, उन वर्किंग डेज में से भी आप छुट्टी ले सकते हो, आप उन वर्किंग डेज में से भी छुट्टी ले सकते हो जितनी आपके कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ है, तो आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। तो 300 दिन वर्किंग डेज से 20 दिन की अगर मैं पेड लीव ले लेता हूं, यानी अगर साल में सिर्फ 280 डेज ही वर्किंग करने जाता हूं ऑफिस में, तो भी सामने वाले को मुझे पूरी सैलरी देनी पड़ेगी 30 लाख रुपए की, वो मेरा 1 रुपया भी नहीं काट सकता। सर अगर मैंने 275 दिन 275 डेज काम किया होता, 5 डेज की मैंने छुट्टी ले ली होती एक्स्ट्रा और 5 डेज की, यानी टोटल 25 डेज की छुट्टी ले ली होती, तो सर 5 दिन की सैलरी कटती, क्योंकि 280 दिन में तो आपको पूरा पैकेज ही मिलना था, 280 दिन में एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने साइन किया था मेरे को उसको पूरा पैकेज ही देना है। अब वो 275 दिन 275 डेज काम किया, उसने एक्स्ट्रा छुट्टी कितने टाइम के लिए, 5 डेज की, तो उसकी सैलरी से 5 दिन की डिडक्ट करी जाएगी। ये है पूरा लॉजिक जो मैंने आपको समझा दिया पेड लीव्स का। पेड लीव्स का भी लॉजिक क्लियर कर दिया, अब इसकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। मैंने सबसे पहले आपको सैलरी का कंपोनेंट समझाया कैसे वर्कआउट करता है, फिर पेड लीव समझाया, अब मैं आपको इसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। अब मुझे नहीं लगता कि पेड लीव्स में कभी आपको दिक्कत आएगी कि पेड लीव्स होती क्या है, कैसे वर्कआउट होती है। अब बस सिर्फ आपको इसकी अकाउंटिंग सीखनी है, और अब अकाउंटिंग सीखने में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है अगर तमीज से जो मैं आपको बताऊंगा वो समझ लेते हो तो, और फिर भी नहीं समझ पाते हो तो याद रख लेना जो नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है।
अब देखिए पेड लीव जो है ना अकाउंटिंग के पर्पज से अगर हम देखें तो हमारे लिए दो तरीके की पेड लीव है, एक्यूमुलेटिंग नॉन एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेटिंग और नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग पेड लीव में भी दो तरीके की, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। एक्यूमुलेटिंग में भी दो तरीके की, वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग, ध्यान रखना। एक्यूमुलेटिंग नॉन एक्यूमुलेटिंग, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। एक्यूमुलेटिंग में दो हो जाती है, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग, यानी वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड लीव, नॉन वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड लीव। और नॉन एक्यूमुलेटिंग में कोई बाइफर्केशन नहीं है, बस वो नॉन एक्यूमुलेटिंग है। सबका मतलब समझाऊंगा, सब केसेस में अपने को अकाउंटिंग सीखनी है। तो सबसे पहले मैं उन पेड लीव्स की बात कर रहा हूं जो वेस्टिंग होंगी, यानी एक्यूमुलेटिंग वाली, एक्यूमुलेटिंग वाली पेड लीव्स जो कि वेस्टिंग है, यानी वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड पेड लीव्स, वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड पेड लीव्स। तो अगर मैं आपको अगर लॉजिकली सोचने को बोलूं तो तीन तरीके की पेड लीव्स में अकाउंटिंग देखनी है, एक वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड, एक नॉन वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड और एक नॉन एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, तीन केसेस में आपको पेड लीव्स की अकाउंटिंग देखनी है। तो सबसे पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं जब पेड लीव्स वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड है, वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड है। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड का मतलब समझ लें, एक्यूमुलेटेड का क्या मतलब है, एक्यूमुलेटेड पेड लीव्स। एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स का मतलब है वो पेड लीव्स जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो पेड लीव्स जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर अनयूज या अनयूटिलाइज रह गई, अनयूज या अनयूटिलाइज पेड लीव्स आपके पास बच गई किसी साल में, तो उनको आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, करंट ईयर में मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 20 दिन की छुट्टियां पेड लीव्स अनाउंस करी थी, पर मैं था बॉस का गुलाम, मैं बोला मैं तो छुट्टियां नहीं लूंगा, बॉस ने चाहे छुट्टी अनाउंस करी हो मेरे लिए फ्री की जिसमें मेरी सैलरी भी नहीं कटेगी, पर मैं तो उसके तलवे चाटने वाला इंसान हूं, मैं तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लूंगा। तो ये मेरी जो छुट्टियां हैं अगर एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स नेचर की हुई तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, अगले साल मैं इनका बेनिफिट ले सकता हूं इन 20 दिन की छुट्टियों का। मान लो इन 20 में से मैंने 5 दिन की छुट्टियां करंट ईयर में ले ली, लेकिन 15 दिन की छुट्टी मेरी एज इट इज अनयूज्ड या अनयूटिलाइज्ड, कुछ भी बोल दो, अनयूज्ड रह गई, तो ये 15 दिन की अनयूज्ड पेड लीव्स मेरी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। इन्हें बोला जाता है एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स, एक्यूमुलेट होती जाएंगी, एक्यूमुलेट होती जाएंगी, इकट्ठा होती जाएंगी। समझ में आया आपको एक्यूमुलेटिंग का मतलब, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, जनरली एक साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है, इससे ज्यादा नहीं होती प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो ये होती है एक्यूमुलेटिंग। और नॉन एक्यूमुलेटिंग क्या होती है, जो अगर मान लो 20 दिन की मेरे को इस साल करंट ईयर में छुट्टी पेड लीव अनाउंस थी, मैंने 5 छुट्टियां ले ली, 15 मेरी रह गई, तो अब ये 15 का कुछ नहीं होगा, अगले साल कोई इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, उन्हें बोलते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग। क्लियर है, तो एक्यूमुलेटिंग नॉन एक्यूमुलेटिंग समझा दिए, अकाउंटिंग अपन देखेंगे। तो पेड लीव्स मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होती है, ऐसी छुट्टियां जिनके लिए सैलरी नहीं काटी जाएगी, ये छुट्टियां जो है एम्प्लॉयज को संडे और पब्लिक हॉलीडेज के अलावा दी जाती है वर्किंग डेज में से। इसके अलावा एंटिटी जो है अलग अलग टाइप की पेड लीव्स देती है, आप कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे ना पेड लीव्स जरूरी नहीं है पेड लीव्स वर्डिंग मिले आपको, आपको मिल सकती है वर्डिंग कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव्स, किसी भी नाम से मिल सकती है, समझ जाना ये पेड लीव्स है। कैजुअल लीव इसका नाम कैसे हुआ, कैजुअल लीव मतलब आप कभी भी कैजुअली छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक लीव्स मतलब आप बीमार हो गए, बीमारी के नाम पे छुट्टी ले लो, एक एप्लीकेशन दे दो, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में लोग फर्जी एप्लीकेशन बना के दे देते हैं, वही पेड लीव्स है सिक लीव भी। प्रिविलेज लीव, कोई भी प्रिविलेज के नाम पे आप लीव ले लो कि सर मेरी तो शादी है मेरे को लीव दे दो, हनीमून पे जाना है एक महीने, तो उसकी भी छुट्टी मिल सकती है, तो आप किसी भी प्रिविलेज के नाम पे ले सकते हो, ऐसे अलग अलग नाम से दे देती है, सबका काम एक ही है, तो आपको किसी भी नाम से मिले क्वेश्चन में भी तो समझ जाना है ये पेड लीव्स है। अब अकाउंटिंग सीखनी है अपने को, अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स, एक्यूमुलेटिंग यानी वो पेड लीव्स जो अगर अनयूज रह गई तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, इतना है बस एक्यूमुलेटिंग का मतलब। अब वेस्टिंग का क्या मतलब है, वेस्टिंग एक्यूमुलेटिंग में वेस्टिंग का क्या मतलब है, जिसकी अकाउंटिंग मैं अभी बता रहा हूं। वेस्टिंग का मतलब है करंट ईयर में मेरे को 20 छुट्टियां मिली थी, मान लो करंट ईयर में देखो 20 छुट्टियां मिली थी, तो मुझे काम कितना करना था, 300 वर्किंग डेज से, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 20 दिन की छुट्टी अलाउ थी पेड लीव्स, तो 280 दिन में अगर मैं काम करता, 280 डेज काम करता तो भी मैं फुल सैलरी उठा सकता था। मैंने कितने दिन काम किया, 300 में से 5 दिन की मैंने छुट्टियां ली, 295 डेज मैंने काम किया, क्योंकि मैं ज्यादा छुट्टियां लेना नहीं चाहता था, मैंने सिर्फ 5 दिन की छुट्टियां ली, 295 डेज काम किया। तो अब बताओ सबसे पहले तो पेड लीव्स को अगर मैं साइड करूं तो मुझे सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, नॉर्मल सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल सैलरी मुझे कितनी चाहिए, सैलरी मुझे कितनी मिलनी चाहिए थी नॉर्मली, तो सर सैलरी मेरा पैकेज था 30 लाख, वही एग्जांपल कंटिन्यू है, 30 लाख रुपए का पैकेज था, उसमें क्या लिखा हुआ था, 20 दिन की पेड लीव अलाउ है, यानी 300 वर्किंग डेज में से अगर 20 दिन 280 दिन काम करता हूं तो भी पूरी सैलरी मिलेगी, मैंने कितने दिन काम किया, 295 डेज, तो भी कोई बात नहीं पूरी सैलरी मिलेगी, चाहे मैं 300 दिन काम करूं तो भी पूरी सैलरी मिलेगी, 290 दिन काम करूं तो भी पूरी मिलेगी, 280 दिन काम करूं तो भी पूरी मिलेगी, उसका मतलब यही था। तो सैलरी टू बैंक तो मेरा कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपए, भाई मेरी सैलरी जो मुझे मिलेगी कंपनी मुझे क्या अकाउंटिंग करेगी, सैलरी टू बैंक अकाउंटिंग करके दे देगी 30 लाख रुपए, बात खत्म है, इतना पे कर देगी। समझ में आया आपको। अब इसके बाद देखिए
लेकिन मैंने 295 डेज काम किया है। मैं अगर 280 दिन काम करता तो भी पूरी सैलरी मिलती। मैंने 15 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 दिन की छुट्टियां अलाउ थी और मैंने 5 दिन की ली है, 15 दिन की छुट्टियां अनयूज्ड रह गई। 15 दिन की छुट्टियां अनयूज्ड रह गई मेरी, अनयूज्ड छुट्टियां रह गई। अब ये अनयूज्ड छुट्टियां पता है किस नेचर की थी? वेस्टिंग नेचर की थी। वेस्टिंग किसके अंदर आता है? एक्यूमुलेटेड, यानी ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। लेकिन वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ सर? वेस्टिंग का मतलब ये है कि अगले साल जो छुट्टियां आपने अनयूज्ड कमाई है, करंट ईयर में जो अनयूज्ड छुट्टियां मैंने कमाई है, ये भी एक तरीके से मेरी कमाई है ना, मैंने ये छुट्टियां कमाई है, इन दिन काम किया है कंपनी में, तो ये जो 15 दिन की अनयूज्ड छुट्टियां मैंने करंट ईयर में कमाई है, अर्न करी है, इनका अगले साल मैं कैश में बेनिफिट ले सकता हूं, इनको एनकैश करवा सकता हूं, इन्हें बोला जाता है वेस्टिंग पेड लीव। यानी अगले साल मैं कंपनी वाले के पास जाकर, जो कंपनी का जो हेड है उसके पास जाके बोल सकता हूं, देखो पिछले साल की 15 अनयूज्ड पेड लीव्स हैं, इनके बदले में मुझे कैश में पेमेंट करके सेटल कर दो, इन्हें बोला जाता है वेस्टिंग पेड लीव। समझ में आया? तो मैं एक कंपनी हूं, मैंने अपने एम्प्लॉइज को 20 दिन की पेड लीव अनाउंस करी थी, उसने 5 दिन की छुट्टियां ली, 15 दिन की अनयूज्ड रह गई और ये थी वेस्टिंग नेचर की। तो अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब अगले साल एम्प्लॉय चाहे तो इनके बदले मेरे पास आकर कैश ले जा सकता है, उनको इन कैश करवा सकता है, मेरे को उनको उसको 15 दिन की जो अनयूज छुट्टियां थी उतना बराबर उसको सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, 15 दिन का कैश देना पड़ेगा, 15 दिन का, क्योंकि उसने पिछले साल 15 दिन का एक्स्ट्रा काम किया था ना, पिछले साल उसने 15 दिन का एक्स्ट्रा काम किया तो उसका मुझे कैश देना पड़ेगा। ये होती है वेस्टिंग छुट्टियां, वेस्टिंग पेड लीव्स। मतलब अगर कैरी फॉरवर्ड आप अनयूज रह गई तो उनको कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले साल और उसके बदले कैश ले लो, यानी अगले साल आपको कैश मिलेगा, बस इतना ध्यान रखो। ये होती है वेस्टिंग वाली। तो आप बताओ, यानी करंट ईयर में मैंने 15 दिन एक्स्ट्रा काम करा तो 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां से पैसा कमाया ना, पैसा मिलेगा अगले साल, लेकिन कमाया तो करंट ईयर में ना, करंट ईयर में मैं 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा हूं जो अगले साल मुझे पे होगा, 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा सर्विस दी है कंपनी को 15 दिन की। कंपनी के लिए क्या रूल होता है? जब एम्प्लॉई से सर्विस लो तब रिकॉर्ड करो खर्चा। तो 15 दिन की सर्विस तो मैंने करंट ईयर में ले ली ना, एज अ कंपनी मैंने अपने एम्प्लॉई से 15 दिन की एक्स्ट्रा सर्विस ले ली, क्योंकि वो 280 दिन काम करता तो भी पूरी सैलरी मिलती, तो मैं एक खर्चा और रिकॉर्ड करूंगा, क्या? लीव कंपनसेशन एक्सपेंस, जो कि P&L में एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा, और एक लाइबिलिटी बना दूंगा टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, क्योंकि अगले साल मुझे पेमेंट करना है इसका, कैश करवा सकता है एम्प्लॉई तो कैश करवा सकता है क्या? कैश देना ही पड़ेगा फिर, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉई कैश छोड़ेगा नहीं। तो 15 दिन की छुट्टियां, 15 दिन की छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो रही है, 15 दिन मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे कितनी थी अभी निकाली थी 10,000, तो टोटल 150,000 का करंट ईयर में एक एंट्री ये पास ओवर होगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट ईयर, ईयर टू में आ जाइए। ईयर टू में 300 में से 20 डेज की एम्प्लॉई ने पूरी छुट्टी ले ली, 280 डेज काम किया, हर साल 20 दिन की पेड लीव अलाउ थी, तो करंट ईयर की बताओ उसे सैलरी कितनी मिलनी चाहिए? ईयर टू की सैलरी की बात कर रहा हूं, पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी तो ईयर टू की भी पूरी मिलनी चाहिए, तो सैलरी टू बैंक 30 लाख। पर पिछले साल जो उसने 15 छुट्टियां नहीं ली थी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है वेस्टिंग नेचर की, उनके बदले मुझे कैश में पेमेंट करना है एज पर प्रॉमिस, एज पर एग्रीमेंट, तो उसका भी मैं पेमेंट करूंगा प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख। समझ में आया आपको? इतना सिंपल सा है वेस्टिंग पेड लीव। वेस्टिंग पेड लीव मैंने यहां पे नोट डाउन किया है एक्युमुलेटिंग में, ऐसी छुट्टियां जिसमें एम्प्लॉई एंटाइटल है कैश लेने के लिए फॉर कैरी फॉरवर्डेड अनयूज्ड लीव इन नेक्स्ट ईयर। ये कब रिकॉर्ड करोगे इसका खर्चा? इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट व्हेन लीव्स आर अर्नड बाय द एम्प्लॉई। जब आप लीव्स अर्न करते हो, यानी जिस ईयर में अनयूज्ड लीव्स अराइज होती है, जिस ईयर में अनयूज्ड लीव्स बच जाती है ना, आप तो बस इतना ध्यान रखना, जिस ईयर में अनयूज्ड लीव्स बच जाएंगी उस ईयर में आप खर्चा बुक करोगे, लीव जब अक्रू हो जाएंगी, जब लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, और जब नेक्स्ट ईयर में कैश पे कर दोगे एम्प्लॉई को उन अनयूज्ड लीव्स का, तो प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा लीव कंपनसेशन का? टोटल एम्प्लॉयज कितने थे अपने एग्जांपल में, तो एक ही एम्प्लॉय था, टोटल एम्प्लॉय जितने थे मल्टीप्लाई बाय हर एम्प्लॉय की नंबर ऑफ अनयूज्ड लीव्स, जो कि पूरी एक्सेल शीट मेंटेन होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्जाम में आपको एवरेज लीव बता देंगे, तो उस अकॉर्डिंग एक ही फॉर्मूला में कैलकुलेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय एक दिन की सैलरी कितनी है, सैलरी पर डे, खत्म। अब दूसरा देखिए नॉन वेस्टिंग वाला, एक्यूमुलेटिंग में दूसरा सिनेरियो नॉन वेस्टिंग पेड लीव्स, नॉन वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड पेड लीव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें थोड़ा आपको समझने के लिए और कंसंट्रेशन चाहिए, नॉन वेस्टिंग पेड लीव। अब इसको समझिए एक बार, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरी सैलरी उसको कब मिलेगी? ईयर वन में, अगर वो 280 दिन काम करता है, क्योंकि 20 डेज तो वो छुट्टी ले सकता है। ये जो मेरा एम्प्लॉई था ना, इसे 5 दिन की छुट्टियां ली सिर्फ, और पूरे साल में कितने टाइम काम किया? 295 डेज काम किया, यानी उसके बाद अनयूज छुट्टियां कितनी बची? 20 दिन में तो उसने ओनली 5 दिन की छुट्टियां ली, 15 दिन की छुट्टियां अनयूज रह गई, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं क्योंकि एक्यूमुलेटिंग है एग्जाम्पल में, और किस नेचर की है? नॉन वेस्टिंग नेचर की है, नॉन वेस्टिंग नेचर की है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, ये है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर, 295 डेज काम किया, पहले नॉर्मल सैलरी की बात करते हैं, 295 डेज काम किया, तो अगर वो 300 दिन काम करता तो भी पूरी सैलरी मिलनी थी, 280 दिन काम करता तो भी पूरी सैलरी, तो सैलरी टू बैंक तो आप पूरा 30 लाख बुक कर लो, कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आती है इतनी बात। अब अगले साल पे आता हूँ मैं, एक बार करंट ईयर को छोड़ो, नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। नेक्स्ट ईयर में देखिए, अब आप लोग अगले साल एम्प्लॉय को वापस, उसने 280 दिन काम करना था, पर उसने पता अगले साल काम कितना किया, 300 दिन पूरे वर्किंग डेज से, उसमें से करंट ईयर ईयर टू में उसको 20 डेज की छुट्टी वापस अलाउ है, वो उसने ले ली। साथ में पिछले साल जो 15 छुट्टियां थी ना, 15 छुट्टियां थी, वो भी उसने यूटिलाइज कर ली, वो भी उसने यूटिलाइज कर ली, क्योंकि नॉन वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अगले साल उनको कैरी फॉरवर्ड कर लो अनयूज्ड लीव्स को, और अगले साल आप उनको ले सकते हो एक्स्ट्रा, अगले साल आप एक्सेस लीव ले सकते हो जितनी कैरी फॉरवर्ड हुई है, उनका कैश में पैसा नहीं मिलेगा, वो एनकैश नहीं करवा सकते, पर अगले साल आप उतनी एक्स्ट्रा छुट्टियां ले सकते हो। तो ये जो 15 छुट्टियां थी ना, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गई और अगले साल मैंने यूटिलाइज कर ली। यानी ईयर टू में, आप सुनो, ईयर टू में मैंने क्या किया, ईयर टू में 300 दिन वर्किंग डेज थे, 20 दिन की तो ईयर टू में छुट्टी अलाउ थी वो ले ली, और 15 दिन की पिछले साल से जो छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो ले ली। ईयर टू में कितने दिन काम किया, ईयर टू में मैंने ओनली 265 डेज काम किया, 265 दिन काम किया। तो अब बताओ कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। सर सैलरी तो इसको अभी भी पूरी 30 लाख ही मिलनी चाहिए, सैलरी तो पूरी 30 लाख ही उठानी चाहिए। आप सोचो ना लॉजिकली, आप जो कॉन्ट्रैक्ट आपने उसके साथ साइन किया, एग्रीमेंट, उसने अपनी लिमिट में छुट्टियां ली है बंदे ने, बंदे ने एक भी दिन की आगे पीछे नहीं करी है, 20 दिन की छुट्टियां तो करंट ईयर की अलाउ थी, और 15 दिन की पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड थी, उसने पिछले साल कैरी फॉरवर्ड कर ली और करंट ईयर में एक महीने की छुट्टी लेके पूरा आराम से फॉरेन ट्रिप मारने चला गया। इसकी क्या एक भी दिन की सैलरी कटनी चाहिए जो मैंने एग्रीमेंट प्रॉमिस किया था? नहीं काट सकता मैं। एम्प्लॉय बोलेगा देखो 20 दिन के आप करंट ईयर में देते हो, पिछली मेरी कैरी फॉरवर्ड आपने बोला था नॉन वेस्टिंग है, यानी नॉन वेस्टिंग का मतलब मैं एक्सेस लीव उतनी ले सकता हूं इस ईयर में, कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है, वो इस ईयर में ले सकता हूं, कैश नहीं मिलेगा पर छुट्टी ले सकता हूं, सैलरी नहीं कटेगी। तो आपने जो बोला मैंने तो वही एग्रीमेंट को फॉलो किया है, तो एम्प्लॉय ऐसा बोलेगा और मैं उसकी सैलरी नहीं काट पाऊंगा। यानी करंट ईयर में उसने 265 डेज काम किया, फिर भी मैं उसकी सैलरी नहीं काट पाऊंगा, सैलरी तो पूरी मिलेगी। तो दोनों सालों में अगर मैं देखूं तो सैलरी अकाउंटिंग जो है वो सेम हो रही है, फर्स्ट ईयर में भी सैलरी टू बैंक 30 लाख, सेकंड ईयर में भी सैलरी टू बैंक 30 लाख। तो यानी दोनों साल में उसको 30 लाख का पूरा पैसा मिलेगा, बिल्कुल पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली जो उसको पैसा दोगे वो तो इतना ही देने वाले हो, 30 लाख फर्स्ट ईयर में, 30 लाख सेकंड ईयर में, कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें जो प्रैक्टिकली, तो एम्प्लॉय को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दिक्कत होगी, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत होगी। एम्प्लॉय तो बोलेगा बिल्कुल सही है, 30 लाख फर्स्ट ईयर में मिलेंगे, 32nd में मिलेंगे, और सही बात भी है, लिमिट में वो छुट्टियां ले रहा है तो उसको पूरा पैसा मिलेगा, पर अकाउंटिंग में अक्रूअल कंसेप्ट अब यहाँ अड़चन डालेगा। अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलेगा, देखो भाई फर्स्ट ईयर में तो एम्प्लॉय ने 295 डेज काम किया, तो भी आप 30 लाख का खर्चा बुक कर रहे हो, सेकेंड ईयर में एम्प्लॉय ने सिर्फ 265 डेज काम किया, तो भी आप 30 लाख का खर्चा बुक कर रहे हो, ये तो ना इंसाफी है ना, ना इंसाफी है। देखो साफ साफ डेज का फर्क दिखाई दे रहा है, 30 दिन का फर्क दिखाई दे रहा है, और फिर भी आप खर्चा उतना ही बुक कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो आप, तो उस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा एज पर अक्रूअल कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअल में तो एम्प्लॉय को 30 लाख और 30 लाख यही पेमेंट मिलने वाला है दोनों साल, ये मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। अब सही क्या करना पड़ेगा वो समझो, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखो फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉय ने 295 डेज काम किया, 280 करता तो भी पूरी सैलरी मिलती, तो सैलरी तो मैं पूरी बुक करूंगा, सैलरी टू बैंक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 280 डेज वो काम करता तो भी ये सैलरी मिलती, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर में उसने 15 दिन एक्स्ट्रा काम किए हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा काम किया ना, 280 डेज करता तो भी पूरी सैलरी मिलती, 15 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, यानी 15 दिन की छुट्टियां अर्न करी है, 15 दिन की छुट्टियां अर्न करी है, अनयूज्ड लीव्स रही है तो वो अर्न करी है ना भाई। अगले साल इस बंदे ने 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ली, क्यों ले पाया, क्योंकि पिछले साल 15 दिन ज्यादा काम किया था, पिछले साल ये 15 दिन ज्यादा काम किया था, इसलिए ईयर टू में ये 15 दिन की छुट्टियां ले पाया। तो ईयर टू में जो 15 दिन का बेनिफिट ले रहा है, ये पिछले साल अराइज हुआ था, तो पिछले साल एम्प्लॉय ने ज्यादा मेहनत करी थी 15 दिन की, तो पिछले साल खर्चा बुक होना चाहिए ना उन 15 दिन का, पिछले साल बुक होना चाहिए उन 15 दिन की सैलरी। तो फर्स्ट ईयर में एक और एंट्री पास होगी, लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, कितने अमाउंट से, 15 दिन की सैलरी जितना, 15 दिन 15 डेज मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे 10,000, तो ये आ गया 1,50,000, समझ में आया। तो फर्स्ट ईयर में एक तो सैलरी की एंट्री पास होगी और एक ही एंट्री पास होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 15 दिन एक्स्ट्रा काम किया एम्प्लॉय ने, क्लियर है। आप सेकंड ईयर में आ जाइए, सेकंड ईयर में एक बार आइए और सोचिए, अगर ये 15 दिन की अनयूज्ड लीव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, मतलब ये लीव्स बची नहीं होती,
तो उस केस में क्या होता है, एम्प्लॉई अगर ये 35 डेज की छुट्टी लेके बैठा होता, 265 डेज काम करता, तो बताओ इसकी कितने दिन की सैलरी कटती? 15 दिन की इसकी सैलरी काट ली जाती। अगर ये 15 दिन की छुट्टी इसकी कैरी फॉरवर्ड होके नहीं आई होती तो 15 दिन की सैलरी कटती कि नहीं कटती? तो लॉजिकली सोचो, करंट ईयर के अकॉर्डिंग तो उसने 15 दिन की छुट्टियां ली होती, 15 दिन की छुट्टियां ली होती तो सैलरी इसको 15 दिन की कम पे होनी चाहिए ना। तो सैलरी टू बैंक 30 लाख नहीं, आप देखो सैलरी टू बैंक होना चाहिए 15 दिन की छुट्टी का पैसा काट के, 15 डेज × 10,000 यानी 1.5 लाख काट लो, यानी 28,50,000। पर एम्प्लॉय तो बोलेगा मुझे तो 30 लाख दो, मैंने तो लिमिट में छुट्टियां ली है, ये भी गलत बात नहीं है। तो सर जो 15 दिन का पैसा उसे मिलेगा ना, 1.5 लाख जो मैंने काटा वो उसे मिलेगा, लेकिन वो सैलरी के नाम से नहीं मिलेगा, लीव कंपनसेशन जो उसका कैरी फॉरवर्ड हुआ था उसके नाम से मिलेगा। यानी पिछले साल जो मैंने प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन बनाया था उससे मैं टू बैंक करूंगा, प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक 1,50,000। समझ में आया? यानी उसको टोटल पेमेंट पता कितना हो रहा है, पिछले साल 30 लाख, करंट ईयर में 30 लाख, टोटल पेमेंट तो उसको उतना ही हो रहा है, लेकिन बस प्रेजेंटेशन अलग हो रही है। फर्स्ट ईयर में एक लीव कंपनसेशन का एक्स्ट्रा खर्चा बुक करा और सेकंड ईयर में सैलरी तो कम कर दी बुक, लेकिन जो बचा हुआ पेमेंट था वो लीव कंपनसेशन की लाइबिलिटी से सेटल कर दिया। तो आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, सैलरी प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक, जाना तो टोटल 30 लाख ही है, लीव कंपनसेशन का प्रोविजन कितना था 1.5 लाख, बचा हुआ पैसा आप सैलरी में डेबिट कर दो। यानी अगर नॉन वेस्टिंग, अब ध्यान से सुन लो, मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से, नॉन वेस्टिंग अगर पेड लीव्स है तो जिस ईयर में लीव अनयूज रह गई उस ईयर में तो प्रोविजन बना दो, और अगले साल क्या करो, उस प्रोविजन से बैंक से पेमेंट होगा ना उतना अमाउंट आप सैलरी में से कम कर देना, उतना अमाउंट आप बस सैलरी में से कम कर देना। एक सिंगल एंट्री पास करोगे ना तो सैलरी में से आपको कौन सा अमाउंट कम करना है, जितना प्रोविजन का अमाउंट है। ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, ये बस लॉजिकली समझाया है। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम में आप क्या करोगे, जितने का प्रोविजन है उतना अमाउंट आपको सैलरी में से कम कर लेना है, बैंक से तो टोटल 30 लाख ही पेमेंट होना है। समझ में आई आपको बात, क्योंकि एक्चुअल में कैसे वर्किंग हो रही है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्लास में और डिटेल में अपन ने देख ही रखा है इसको, बाकी क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे। तो नॉन वेस्टिंग पेड लीव्स यानी अगले साल आप एक्सेस लीव ले सकते हो, आप खर्चा कब रिकॉर्ड करोगे, जब अनयूज लीव्स अराइज हुई आपने अर्न करी, लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन। अगले साल जब वो अनयूज लीव्स एम्प्लॉई ले लेगा या फिर वो भी लैप्स हो जाएंगी एम्प्लॉई ना ले तो उस केस में आप प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक कर दोगे, और जो प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन जितने से इस साल में डेबिट होगा उतने अमाउंट से सैलरी का अकाउंट है कम होगा, उतने अमाउंट से सैलरी का अकाउंट कम होगा, ठीक है, इंस्टीड ऑफ सैलरी अकाउंट इसको डेबिट कर दोगे। समझ में आया? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, वेस्टिंग वाली जो पेड लीव थी ना, वेस्टिंग वाली में जो लीव कंपनसेशन का पैसा ना वो एक्स्ट्रा पे हो रहा था सैलरी से, अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि उसमें आप एक्स्ट्रा कैश दे रहे थे छुट्टियों के बदले। यहां पे नॉन वेस्टिंग में आप एक्स्ट्रा कैश नहीं देते, एक्स्ट्रा छुट्टियां ले सकते हो, तो यहां पे भी प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा, इसकी जगह देखो सैलरी भी तो कम हो रही है। यहां पे पैसा उतना ही दिया जाता है जितना पैकेज है, लेकिन बस प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है नॉन वेस्टिंग में। तो ये मैं आपको ध्यान दे के बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में गलती ना हो, आपको लॉजिकली समझ में आए। इस केस में आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस केस में नॉन वेस्टिंग के केस में अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज द अनयूज्ड लीव्स इन नेक्स्ट ईयर। इस केस में जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो एस्टिमेशन काम में लोगे कि कितने एम्प्लॉइज आपको लगता है कि अगले साल अनयूज्ड लीव्स को यूटिलाइज कर लेंगे। भाई एम्प्लॉइज हैं 100 और अनयूज्ड लीव्स सबकी कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो आपको लग रहा है कि कितने एम्प्लॉइज अनयूज्ड लीव्स यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, अगले साल ले लेंगे। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो बॉस के गुलाम होते हैं, तो वो थोड़ी ना छुट्टियां लेंगे, अगले साल भी बोलेंगे कोई बात नहीं सर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दी तो हम क्यों लेंगे छुट्टियां, हम तो पूरी सेवा करेंगे कंपनी के। तो कंपनी को लग रहा है 10 एम्प्लॉइज तो ऐसे गुलाम वाले हैं, 90 एम्प्लॉइज ही अगले साल छुट्टी लेंगे, तो भाई मैं खर्चा कितने का बुक करूं, जितने का मुझे लग रहा है कि भाई वो यूटिलाइज करेंगे छुट्टियां उतनी ही एम्प्लॉइज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनयूज्ड लीव्स एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड बाय ईच एम्प्लॉई इन नेक्स्ट ईयर। भाई हर एम्प्लॉय की मान लो 15-15 लीव कैरी फॉरवर्ड हुई है, पर मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय 10-10 दिन की ही एक्स्ट्रा छुट्टियां यूटिलाइज करेगा अगले साल। जो कैरी फॉरवर्ड हुई है उनमें से ओनली 10-10 दिन की छुट्टियां ही हर एम्प्लॉय लेगा, तो जितनी मेरे को लग रहा है कि छुट्टियां लेंगे एक्सेस उतना ही मैं प्रोविजन बनाऊं मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी नॉन वेस्टिंग वाला केस होगा ना आप एस्टिमेशन के बेसिस पे खर्चा रिकॉर्ड करोगे। तो सर वेस्टिंग वाले केस में एस्टिमेशन क्यों नहीं लगाया, तो इसका भी लॉजिक है। देखिए वेस्टिंग में क्या होता है, कैश में पेमेंट करना होता है, तो कैश तो चाहे कितना ही गुलाम एम्प्लॉई हो कौन छोड़ेगा। जब कंपनी कैश बांटेगी, कंपनी बोलेगी जो अनयूज्ड लीव्स है उनका कैश मिलेगा, तो कोई मना नहीं करेगा, हर कोई ले लेगा, उसमें एक्सपेक्टेशन लगाना ही नहीं है, कोई भी एम्प्लॉई नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं लगता। एक क्वेश्चन भी था अपन ने देखा था, क्लियर। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर नॉन एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स है यानी अनयूज्ड रह गई, करंट ईयर में 20 पेड लीव्स दी थी, मैंने बोला छुट्टी लो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन की अनयूज्ड रह गई
तो 15 दिन की अनुष रह गई तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। कंपनी वाला क्या बोलेगा, देख भाई मैंने तो तुझे बोल दिया था तू छुट्टी ले सकता, अब तूने छुट्टी नहीं ली वो तेरी गलती है, एग्रीमेंट में साफ लिखा था नॉन एक्यूमुलेटिंग है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, नहीं अगले साल तुझे कोई कैश मिलने वाला, भूल जा। तब अब इन छुट्टियों के बदले, अनयूज छुट्टियों के बदले ना अगले साल कैश मिलेगा ना इनकी एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलेंगी, तो कोई खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बात खत्म। तो ये था आपका लीव कंपनसेशन वाला टॉपिक, अच्छा टॉपिक था, पूरा लॉजिकली मैंने एग्जांपल से समझाया और इसमें मैंने सैलरी पर डे का नोट भी दे दिया, या अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं एनुअल सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर। वर्किंग डेज क्या होते हैं, जब कंपनी का ऑफिस ओपन रहे यानी सारे दिन एक्सेप्ट संडे एंड पब्लिक हॉलीडे, ये वही एग्जांपल है, या आप एक बार पढ़ लेना, क्लास में आपको करवाया हुआ ही है, जो यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं जो भी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया उसी को बस यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हो, ये नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, तो आप पढ़ लेना फिर ये, ठीक है। ये हो गए आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट सारे कंप्लीट, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, अब आ जाइए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये इस चैप्टर का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में दो तरीके के क्लासिफिकेशन है, ये इंडेक्स पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई करता है, ये बोलता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी दो तरीके के होते हैं, एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब ये क्या होते हैं, कैसे क्या वर्क करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मैंने आपको समझाया ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि आप एम्प्लॉय को उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद देते हो, जब वो रिटायर होता है, जब अपनी नौकरी पूरी करके जाता है उस वक्त जो पे करते हो उसके एम्प्लॉयमेंट के बाद, इसलिए इसे बोलते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। दो तरीके के हैं, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान एक एग्जाम्पल से समझो, मैंने आपको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में एग्जाम्पल दिए थे पीएफ ग्रेचुटी पेंशन, उसमें से जो पीएफ है ना प्रोविडेंट फंड, पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड, वो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान का एग्जाम्पल है। पीएफ क्या है, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान का एग्जाम्पल है। तो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान को मैं पीएफ के नाम से समझाऊंगा आपको, आपको पीएफ के एग्जाम्पल लेके ही समझाऊंगा, तो आपको डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान